हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो कि स्ट्रीमिंग डेटा सेट्स या हम कह सकते हैं रियल टाइम एनालिटिक्स से कनेक्टेड है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सिस्टम पर इसे करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और सबसे पहले समझते हैं कि क्या है रिक्वायरमेंट इससे रिलेटेड। तो जो स्नैरियो केस है वो ये है कि हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं एक बड़े वर्क स्पेस में, और हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं वो पूरे दिन के हिसाब से कितना CPU यूज़ करते हैं और कितना RAM यूज़ करते हैं, उसकी स्टैटिक्स जो है वो हम Power BI रिपोर्ट में भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक नोटबुक क्रिएट करेंगे और वो नोटबुक जो है हमारी करंट इन्फॉर्मेशन जो है उसे उठा करके स्ट्रीमिंग डेटा सेट्स में पब्लिश कर देगी। तो यही जो नोटबुक है वो हम हर सिस्टम में स्टेबलाइज करेंगे, तो हम सिर्फ अपने एक सिस्टम में ही देखेंगे। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिसका नाम है PSUtil, और इसका अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये वो डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पर हमें हर चीज़ मिल जाएगी कि किस तरीके से उसे रन करना है और किस चीज़ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये लाइब्रेरी है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी क्या है CPU की, मेमोरी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है हमको, डिस्क के लिए क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, नेटवर्क के लिए क्या यूज़ करनी है, और कुछ सेंसर्स वगैरह हैं तो उनके लिए भी क्या यूज़ करनी है। राइट, तो सेंसर्स में हमारे पास ये कोर टेम्परेचर है, क्या तो ये सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, कितना हीट है CPU की, सब इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। राइट, तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं ये चीज़ें कि क्या सिस्टम में किस तरह से वर्क कर रही हैं, और फिर हम उसको हम एक लूप बना करके अपने स्ट्रीमिंग डेटा सेट में भेज देंगे और बाद में हम रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक नोटबुक चाहिए, तो ऑब्वियसली वो नोटबुक जो है हमारे लोकल सिस्टम में रन करनी चाहिए। हम ये फैब्रिक में क्रिएट करेंगे तो क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम इसे एक लोकल पाइथन की इस नोटबुक में बनाएंगे। राइट, पाइथन की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, वह ज़रूरी भी है। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनाकोंडा जो है हमारा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी उसे ओपन कर लेते हैं। जिनको नहीं पता, एक टूल है ये जो डेटा साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सबको गैदर करता है, नहीं सिर्फ सिर्फ इसको इंस्टॉल कर लो बाकी सब काम खत्म। तो यहाँ पर मैं एक नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे जुपिटर लैब ओपन कर सकते हैं या फिर जुपिटर लैब कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक भी कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू नोटबुक बनाते हैं, और क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, अगर नहीं है तो हम इसको pip install इस कमांड से इंस्टॉल कर लेंगे। राइट, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये दिखाएगा कि रिक्वायरमेंट जो है ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा, तो मैंने इसको ऐसे ही इंपोर्ट कर लिया है और अब इसे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं और सबसे पहले चलो ये सेंसर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या दिखेगा। ओके, तो ये कह रहा है इसमें तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन सेंसर्स फैंस नाम से कुछ है क्या, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो यहाँ पर मेरा इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरा सिस्टम का नेम, होस्ट जो है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो आ रही है, और ये ज़रा बूट टाइम भी है, कब सिस्टम स्टार्ट हुआ है देखते हैं कि ये इसका टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन आ रही है कब वो स्टार्ट हुआ है, और देख लेते हैं इसमें कुछ और चीज़ें हैं, नंबर ऑफ थ्रेड, नंबर ऑफ बाकी सब चीज़ें हैं। हमें अभी चाहिए CPU की इन्फॉर्मेशन और RAM वगैरह की इन्फॉर्मेशन, वो हमें चाहिए। तो अभी हम सीधा डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल, देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये है CPU की इन्फॉर्मेशन यहाँ से, तो यहाँ से मुझे CPU की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मुझे चाहिए CPU परसेंटेज, देखो ये मुझे CPU परसेंटेज दे देगा, तो ज़रा इस कोड को मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, ये 1.4% आ गया CPU की इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए
रैम की इंफॉर्मेशन, रैम की इंफॉर्मेशन हुई वर्चुअल मेमोरी, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है इससे। इसमें इतनी सारी रैम आई है, तो टोटल रैम ये है इसमें, ये शायद जीबी में तो नहीं है ओबियसली। और ये देखो सब इन्फॉर्मेशन आई, यूज कितनी हो रही है, कितनी परसेंट यूज हो रही है। पर अभी हम देख लेते हैं टोटल, मतलब है टोटल फिजिकल मेमोरी। और अब ये देखना होगा कि ये किस में आती है। तो इसको एमबी बनाने के लिए भी हमें 1024 करना पड़ रहा है। 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक ये बाइट्स में है, तो ये हो जाएगी हमारी किलो बाइट्स और फिर ये हो जाएगी मेगा बाइट्स। तो ये जो है बाइट की इन्फॉर्मेशन है, तो इसको किलोबाइट और मेगाबाइट बनाने के लिए तो सबसे पहले मुझे ये टोटल चाहिए बस का। देखते हैं डॉट टोटल से आता है या नहीं आता, राइट आ गया है। और अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1024 इंटू 1024, सॉरी मुझे डिवाइड करना होगा, तो ये इतने एम बी आ गया है। और अगर मैं इसको जी बी बनाना चाहूँ, राइट 32 GB की रैम मेरे पास है, ठीक है, मतलब ये रैम हमारी ठीक आ रही है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ रही है। अब हम इसको वापस कर देते हैं, इसको हटा के, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर परसेंटेज भी वैल्यूज़ है, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, कितनी रैम फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। और ये है हमारी डिस्क की इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भी है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सीपीयू परसेंटेज और रैम को कैसे लेके जाएंगे। तो सीपीयू परसेंटेज का फॉर्मूला हमें यहाँ मिल गया, ये रही वैल्यूज़, और जो वर्चुअल मेमोरी के हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन ये है। हमें चाहिए इसकी भी परसेंटेज, तो अगर हम ये डॉट परसेंटेज कर लें तो ये मिल जाएंगे, ये भी परसेंटेज में वैल्यू है और ये भी परसेंटेज में वैल्यू है, ये यूज परसेंटेज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक्चुअली हमें एक चीज़ और चाहिए, इम्पोर्ट टाइम। अब हम एक लूप बना लेते हैं और ठीक है, ये लूप बना लेते हैं और इस लूप में ये हमारी सीपीयू परसेंटेज और सीपीयू यूजेस ये हो जाएगा और रैम यूसेज ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं, सीपीयू यूजेस और रैम यूजेस को, सब काट देते हैं। इंटरवल जो है हम यहाँ पर ना बंद करते हैं, इंटरवल बंद करते हैं और फिर देखते हैं, एक एक इंटरवल के डिफरेंस से मुझे रैम यूजेस और सीपीयू यूजेस दोनों मिल रहे हैं। कि अब इस वैल्यूज़ को हम वहाँ ले जाएंगे, अभी मैं इसे रोक देता हूँ। तो अब हमारा कोड बन चुका है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, हटा देते हैं इसको, ये भी नहीं चाहिए, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन अब हमें चाहिए। अब हमें जाना होगा वापस एक
स्ट्रीमिंग डेटा सेट्स बनाना है हमको, तो इसके लिए हम पावर बी आई में जाते हैं और यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं स्ट्रीमिंग डेटा सेट। ये रहा हमारा स्ट्रीमिंग डेटा सेट, क्लिक करते हैं एपीआई वाला वर्जन, सीपीयू यूजेस, सिस्टम सोर्सेस, और इसकी जो है हमारे पास नंबर है सीपीयू यूजेस का, सीपीयू और रैम यूजेस ये भी नंबर है, ये हमें नहीं चाहिए, तो दो वैल्यूज के हिसाब से बन गया है। स्टोरेज डेटा रखना है और इसे क्रिएट कर लेना है। और अब हमें मिल गया है ये पाइथन कोड, ये पुश यूआरएल है और ये हमारा कोड है। इसे कॉपी कर लेते हैं ऑब्वियसली, और हम लास्ट की तरह चैट जीपीटी से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पाइथन में। ये इसने हमें डेटा दे दिया है। इसे कॉपी करते हैं और जाते हैं वापस से यहाँ पर, ये दोनों डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये रन किया, उसके बाद हमने ये रन किया और अब देखते हैं ये जो वैल्यूज है वहां गई है नहीं। इस पर हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, मैंने इसमें रिपोर्ट कर दी है, डेट टाइम को डाला ही नहीं है, मुझे इसे दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। पीआई में जाते हैं, इसका नाम देते हैं हम सिस्टम सोर्स, यहाँ पर डेट टाइम, सीपीयू यूजेस और मेमोरी यूजेस, और ये भी नंबर है। अब क्रिएट करते हैं, तो ये बन गया हमारी कोड, बस इसमें तब ये वैल्यू हमने वहां भेज दी है। अब जा करके देखते हैं, ये क्रिएट रिपोर्ट आ गया, अब डेट वाइज सीपी यूजेस एंड मेमोरी यूजेस आ जाएगा।
जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। ठीक है, अभी डेटा आ रहा है, तब ये कोड अब काम कर रहा है। अब हमें लूप बना लेना है उसका। अब मुझे क्या करना है, ये जो कोड है इसको रखना है यहाँ पर, कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो है। और अब इसमें जो ये दोनों चीज़ हैं इसे काट करके हम यहाँ पर रख दिया है ऑलरेडी। यूआरएल ठीक है, ये सेम रहने वाला है, ये सेम रहने वाला है। डेटा जो है चेंज होगा बार बार, डेटा से लेकर नीचे सब की ये सब चीज़ें हैं ये लूप में आनी चाहिए। इसे कट करो और यहाँ पर पेस्ट करो। ये जो डेटा है वो आना चाहिए इसके बाद। ये जो सीपीयू यूजेस है वो डाल देते हैं यहाँ पर, और जो ये रैम यूजेस है वो डाल देते हैं यहाँ पर। एक बार चला कर देखते हैं। चल रहा है, देखते हैं यहां पर डेटा आ रहा है नहीं। सेम डेटा एक जगह जा रहा है, डिलीट नहीं करी हमने अभी। इसे स्टॉप करो, ये डेट रह गई हमारी। अब डेट हमें चाहिए करंट वाली। ठीक है, तो करंट डेट हमारी ऐसे आ जाएगी। ये चाहिए हमको और ये चाहिए, यहाँ डाल देना है क्योंकि ये तो इंपोर्ट करेंगी। ये वाला जो वैल्यूज़ है वो हम लूप के अंदर डालेंगे। इसको तो डिलीट ही कर दो, इसको भी कुछ काम नहीं है, ये मेन तो ये है। अब इसके अंदर यहाँ डालते हैं करंट टाइम, और ये करंट डेट जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं इस वाले वेरिएबल के जगह पर। ठीक है, तीनों चीज़ आ गई हैं। और अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ओह शिट, मैंने वो यूआरएल लिट मार दी। इसके बाद इंसर्ट करके पेस्ट कर देते हैं। अब चलते हैं स्टार्टिंग से। डेटा इज नॉट डिफाइंड है क्योंकि डेटा हमारा यहाँ पर है। तो ये रिक्वेस्ट है, इसे हमें काटते हैं, यहाँ डालते हैं, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी हमें यहाँ चाहिए। वैसे तो जो भी नहीं है हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है ऐसे तो नहीं। टेस्ट के लिए रख छोड़ देते हैं। तीनों वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हो रहे हैं पहले, और फिर इस डेटा में जा रहे हैं, और फिर ये रेस्पॉन्स से काम कर रहे हैं। लिंक एक ही बार रहेगा, सेम ही रहेगा, और ये भी सेम ही रहेगा। अब ठीक है, ये अब इसको रन करते हैं। फिर एरर आ गई है, जेसॉन सीरियलाइजेबल। देखते हैं इसमें क्या आता है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये जो कि ठीक नहीं है। हमें इसको फॉर्मेट
हमें इसमें तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, हमें डेट टाइम का फॉर्मेट जो था वहाँ पर वही चाहिए, और वो जो फॉर्मेट था वो था ये वाला। ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पर रखते हैं ये वाला कोड। ये रहा करंट डेट टाइम यूटीसी, और करंट डेट साइड फॉर्मेटेड वाला वैल्यू ये है, इसी के नीचे हम पेस्ट करते हैं ये फॉर्मेटेड वाली वैल्यू। और अब ये हमारी नई डेट है जिसको हमें पेस्ट करना है इस जगह पर। राइट, अभी चल गया, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब हम देखते हैं जाकर के पावर बी रिपोर्ट्स में। इसमें थोड़ा सा फिल्टर लगा लेते हैं, जो आगे की जो डेटा है ना, गलत डेटा हमने जो पेस्ट किया था इसे हटाते हैं। इसको करते हैं लास्ट 5 मिनट। और मेमोरी को भेजते हैं सेकेंड एक्सेस पर और अब रन करते हैं। ब्लू वाला सीपीयू है और ये वाला ये है। अब क्या करते हैं, थोड़े से कुछ सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। अब देखते हैं, ये एक्सेल ओपन करते हैं, सीधा सडनली बढ़ गया है। और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने किया, ये मेमोरी यूज़ तो अचानक से बढ़ गया है। अब क्या करते हैं, वापस से क्लोज कर देते हैं एक्सेल को। सडनली वह को वापस कर गया नीचे, ये अब ये जो है कनेक्टेड हो गया लाइव। अब इसी में हम क्या कर सकते थे कि हम अपनी करंट जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो भी ले लेते साथ में, और हर सिस्टम में अलग अलग ये नोटबुक रन होती और यूज़र के नेम के हिसाब से उसकी सीपीयू यूजेस और उसका रैम यूजेस जो है हमारे इसमें इन्फॉर्मेशन आती जाती, क्योंकि वो एपीआई तो सेम ही रहेगी, वो वही नोटबुक जो है हर सिस्टम में रन होगी और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस API में भेजते रहेगी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो अगर हम की लर्निंग की बात करें तो वो ये है कि सबसे पहले हमें डेटा को देखना है कि डेटा किस तरह से हमारे पास अवेलेबल है और उसको किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट में लेके आ सकते हैं, और उसके लिए हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पावर बी आई डेवलपर हैं, पावर बी आई पर वर्क कर रहे हैं, तो हम कोई और टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें सब टूल्स हमें आने चाहिए। स्पेशली जो है पाइथन है वो पावर बी आई से हाईली इंटीग्रेटेड हो चुका है, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कमेंट है आपका, प्लीज़ आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।